वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आलू पनीर स्टफिंग के साथ बेसन ब्रेड टोस्ट। ये खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में, शाम को स्नैक्स में ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने मैश किया हुआ पनीर लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उबले मैश किए हुए आलू, इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, आमचूर पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक डालूंगी इसमें मैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें लाल मिर्च डालूंगी, कसूरी मेथी डालूंगी मैं इसमें। सबको मैं अच्छी तरह मिलाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, साइड पे रखेंगे। अब हम इस बेसन के घोल तैयार करने के लिए बेसन लेंगे, इसमें चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से टोस्ट क्रंची और टेस्टी बनते हैं। इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी, काला नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालकर सबको अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल को जो है तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हल्दी डालूंगी मैं, हल्दी को भी अच्छी तरह मिलाऊंगी। देखिए मैं इस तरह का घोल जो है तैयार कर लूंगी। अब घोल को मैं साइड पे रखूंगी। अब मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड को मैं इस तरह से देखिए चार पीसेस में काट लूंगी। सारी ब्रेड को मैं इसी तरह चार पीसेस में काट लूंगी। अब एक ब्रेड का पीस लूंगी जो मैंने फिलिंग तैयार की थी, वो इस तरह से देखिए चम्मच से मैं ब्रेड पे लगाकर दूसरा पीस इसके ऊपर रख दूंगी। सारे टोस्ट को मैं इसी तरह फिलिंग के साथ भर के तैयार करूंगी। तेल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। अब टोस्ट को मैं इस तरह बेसन में घोल कर देखिए इस तरह से तेल में डाल दूंगी। एक साथ जितने कढ़ाई में टोस्ट आएंगे उतने मैं तेल में डालकर हल्की आंच पर मैं गोल्डन कलर होने तक मैं उलट पलट कर मैं टोस्ट को जो है तैयार कर लूंगी। टोस्ट मैंने तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको सर्व करूंगी। मैंने सर्व इसको इमली की चटनी के साथ किया है, ऊपर से मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है। ये हमारे क्रंची स्वादिष्ट टोस्ट बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।